नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। लंबित मांगे पूरा कराने ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल, अनिश्चितकालीन पर जाने दी चेतावनी। दो और मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। डायरिया की रोकथाम के लिए इमलीपारा में लगाया गया कैंप। शहर समेत दिल्ली में बड़ी चोरियों में नया खुलासा। चोरी के 60 लाख से बनाया जिम, पुलिस ने किया सील। और नवाचार से छात्रों में उत्साह, शिक्षकों का मनोबल ऊंचा। स्कूलों में भ्रमण के लिए रवाना हुई झांकी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां खबरें विस्तार से। ग्रामीण डाक सेवकों ने एक दिवसीय हड़ताल पर अपनी मांगों के शीघ्र और उचित समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किया। संभागीय डाकघर के सामने धरने पर बैठे सदस्यों ने केंद्र सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए नियमित करने की मांगें दोहराई। हड़ताल पर डटे ग्रामीण डाक सेवकों ने कहा, 8 घंटे काम लेने के बाद भी उन्हें ग्रेच्युटी, चिकित्सा, पेंशन नहीं दिया जाता। कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और जीडीएस का कल्याण सुरक्षित करने केंद्र सरकार कमलेश चंद्रा की सभी सिफारिशें लागू करे। ग्रामीण डाक सेवक परिमंडल सचिव राजेश गुरुद्वान ने कहा, पोस्टल डिपार्टमेंट के सभी साथी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, उनके मांगों का ठोस निराकरण नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल टालना मुश्किल होगा। हमें मजबूरी में अपने बाल बच्चे का, अपने परिवार का रोजी रोटी को कटवा के, अपनी तनख्वाह कटवा के आज हम एक दिन के टोकन स्ट्राइक पर हैं। अगर इस पर भी सरकार नहीं माने तो फिर हम लोग का आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आगामी दिसंबर में, 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए सरकार हमें बाध्य कर रही है। कोर्ट में जाने के बाद हम लोग के पास गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपकी मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसलिए हमारा पेंडिंग हो जाता है। ग्रामीण डाक सेवक संघ का कहना है, आजादी के बाद अब तक लाखों ग्रामीण डाक सेवक ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ के बिना रिटायर हुए हैं। ये क्रम आगे जारी नहीं रखने ये आंदोलन सुरक्षित भविष्य और लाखों परिवारों के आर्थिक सहारे के लिए किया जा रहा है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी बिलासपुर। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के शिक्षकों को गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा विभाग द्वारा लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में संसदीय सचिव रश्मि सिंह और बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। जिले के सभी 6 ब्लॉक से 9 और 3 शिक्षकों का संभाग स्तर पर अलंकरण के लिए चयन कर पुरस्कृत किया गया। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतर नतीजा देने वाले स्कूलों के 300 से ज़्यादा शिक्षक और प्राचार्य को भी इस समारोह में सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक, सहायक संचालक पी दासरथी समेत शिक्षक बड़ी संख्या में यहां मौजूद रहे। रेत की कीमत बढ़ने से अब मकान निर्माण की लागत बढ़ गई है। 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। महीने भर पहले तक रेत प्रति ट्रैक्टर 900 से 1000 रुपये में मिल रहा था, जो लगभग 2000 पहुंच गया है। सीमेंट और छड़ की कीमत भी आसमान छू रही है। रेत की कीमतें नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने रेत घाट निजी हाथों में ठेके पर दिया है। अब यह उल्टे लोगों पर भारी पड़ रहा है। माइनिंग अफसरों की मिलीभगत से रेत उत्खनन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बगैर रॉयल्टी उत्खनन की आड़ में माइनिंग विभाग के अफसर प्रति ट्रैक्टर 600 रुपये तक उगाही कर रहे हैं। यही कारण है कि रेत के दाम में भारी उछाल आया है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे इमलीपारा में फैले डायरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर प्रभावितों का मेडिकल चेकअप किया। डायरिया की चपेट में आकर 2 महिलाओं की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है, लिहाजा भोजपुरी समाज के भवन में चिकित्सकों की टीम ने जांच शिविर लगाया। वार्डवासियों में नगर निगम की लापरवाही को लेकर खासी नाराजगी है। क्षेत्र में नाली के संपर्क में पाइप की लाइन आने से घरों में दूषित जल की आपूर्ति हो रही है, नतीजा दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वाटर पाइपलाइन है वो काफ़ी ही जर्जर हो चुका है और निगम प्रशासन का इसका और ध्यान नहीं जा रहा है, तो इसके लिए सतत हम प्रयासरत हैं कि ये जो है पाइपलाइन बदली जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है।
तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और आज पूरे इमलीपारा में आप जाके देखेंगे तो मैक्सिमम घरों में आज एक या दो पीड़ित आपको मिल ही जाएंगे। तो अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया है। कल ही जब दो महिलाएं मृत हुई और मुझे पता चला, और मैं उम्र रही है, एक 46 साल की थी और एक करीब 52 साल की रही। उसको मेरी देवरानी है छोटी वाली, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए ने उसको हॉस्पिटल के लेने हम लोग बोले तो नहीं हो पाया। रात में एडमिट रखे उल्टी की सामने में, तो क्या बोलते उसको एडमिट रखे थोड़ा देर, मतलब पलंग में जहाँ इलाज करते वहीं बॉटल चखा। फिर रात में मैं आ गई, छोटी बच्ची है उसकी, लेके उसको वापस भेज दिया। रात में उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया, लेटरिन हो रहा था और उल्टी हो रहा था उसको। अभी थोड़ा ठीक है, तो भी अभी लेटरिन और उल्टी हो ही रहा है। परिक्षेत्र स्त्री महिला पुरुष शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय JMP महाविद्यालय तखतपुर की मेजबानी में किया गया। पुरुष वर्ग में मेजबान शासकीय JMP महाविद्यालय तखतपुर और महिला वर्ग का खिताब शासकीय विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर ने जीता। खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अच्छे खेल कौशल के आधार पर किया गया है, जो बिलासपुर सेक्टर की टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। पुरुष वर्ग में चयनित खिलाड़ी संस्कार कश्यप, संजय भारद्वाज, अभिषेक अग्निहोत्री, ओम प्रकाश बघेल, विवेक निषाद और सिद्धेश देवांगन शामिल हैं। महिला वर्ग में संगीता देहरी, पूजा सायतोंडे, प्रगति राज, अंशु निर्मलकर, निधि रजक और अर्पिता तिवारी चयनित किए गए हैं। परिक्षेत्र स्तरीय शतरंज स्पर्धा में पुरुष वर्ग में 15 महाविद्यालय और महिला वर्ग में 7 महाविद्यालय के शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैच के निर्णायक अमन तिवारी, आलोक सिंह क्षत्री, राकेश चंद्राकर और प्रतीक अग्रवाल थे। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी मेडल प्रदान किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर रायपुर के तिफरा पेंडीडी फोर लेन सड़क में दरारें पड़ गई हैं। इससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा है। लोग किसी तरह इन दरारों से बचते हुए सफर तय कर रहे हैं। हालांकि NHAI द्वारा इन दरारों को कई बार भरा गया है, मगर भारी वाहनों की आवाजाही से दरारें फिर उभर आई हैं। श्रीराम क्लॉथ मार्केट और सत्यम चौक स्थित दुकानों में चोरी करने वाले मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास के पूरक मेमोरेंडम में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी लोकेश श्रीवास शिव चंद्रवंशी से दिल्ली के ज्वेलरी दुकान में चोरी किए गए करीब 12 करोड़ रुपए के मूल्य के आभूषण बरामद किए थे। सिविल लाइन पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास को 3 दिनों के रिमांड पर लिया था। पूछताछ में आरोपी ने कवर्धा जिले में 60 लाख रुपए का मल्टी जिम बनाने की बात स्वीकार की। निशानदेही पर पुलिस ने कवर्धा पहुंचकर जिम सील किया। आरोपी ने चोरी के रुपयों से पल्सर बाइक भी खरीदा था। काफी बड़ी मात्रा में जिम बनाकर पैसे का उपयोग किया गया था। करीब 60 लाख रुपए चोरी के पैसों का उसमें उपयोग किया गया है। 30 लाख रुपए उसने अपने घर से व्यवस्था की थी, ऐसा अपने मेमोरेंडम में लोकेश श्रीवास ने बताया है। एवं लोकेश श्रीवास द्वारा अपने बड़े भाई को एक मोटरसाइकिल गिफ्ट किया गया था चोरी के पैसों से, जिसे जब्त किया गया है। सिविल लाइन पुलिस और ACCU की टीम ने मुखबिर से सूचना मिलने पर सिंधी कॉलोनी गोदू चौक के पास एक मकान से बड़ी मात्रा में पटाखा बरामद किया। करीब 2 लाख रुपए का पटाखा अवैध रूप से भंडारण करने के मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। तलाशी के दौरान मकान के भीतर 12 कार्टून पटाखा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। उसलापुर रेलवे ट्रैक में एक व्यक्ति की शतविशत लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी किसी ने सिविल लाइन पुलिस को दी। इस बीच मौके पर पहुंचकर GRP ने मार्ग कायम कर सिविल लाइन पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए जानकारी दी। अज्ञात व्यक्ति का शव पहचान के लिए फिलहाल सिम्स के मर्चुरी में रख दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि व्यक्ति ने चलती ट्रेन के आगे कूद कर जान दी होगी। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। लंबित मांगे पूरा कराने ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल, अनिश्चितकालीन पर जाने दी चेतावनी। दो और मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप, डायरिया की रोकथाम के लिए इमलीपारा में लगाया गया कैंप। शहर समेत दिल्ली में बड़ी चोरियों में नया खुलासा, चोरी के 60 लाख से बनाया जिम पुलिस ने किया सील। और नवाचार से छात्रों में उत्साह, शिक्षकों का मनोबल ऊंचा, स्कूलों में भ्रमण के लिए रवाना हुई झांकी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
हमारे न्यूज हेडलाइंस के सहप्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। खेल खेल में बच्चों की पढ़ाई सुगम बनाने टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तहत बनाए गए सामानों की झांकी निकाली गई। बिल्हा के आधा दर्जन स्कूलों में ये झांकी पहुंची जहां बच्चे उत्साह से भर उठे। बिल्हा के जनपद प्राथमिक सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने और उनमें नया सीखने की उत्सुकता जगाने शिक्षक प्रयास कर रहे हैं। इस सामूहिक प्रयास का नतीजा काफी दिलचस्प रहा। कबाड़ से जुगाड़ के दिशा में छात्रों ने जोड़ घटाओ मशीन, रोबोट, मैजिक बॉक्स, FLN तराजू और मेंढक का कमाल, गणित में करे धमाल जैसे उपकरण बनाकर शिक्षकों के मार्गदर्शन को सार्थक नतीजे में बदल दिया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तहत बनाए गए सामानों की झांकी को हरी झंडी दिखाकर शिक्षकों ने रवाना किया। आज राष्ट्रीय अखंडता दिवस के अवसर पर पूरे नगर में टीलेम झांकी यात्रा का शुरुआत किया गया है, जिससे सभी स्कूलों शासकीय व अशासकीय स्कूल सभी में जाकर बच्चों एवं शिक्षकों को टीलेम के माध्यम से सीखने सिखाने की गतिविधि के बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार कबाड़ से जुगाड़ से पूरी वस्तुएँ बनाई गई है जो कि एकदम शून्य निवेश पर बनाया गया है। बच्चे जिससे FLM के लक्ष्य आधारभूत मूलभूत शिक्षा को प्राप्त कर सके उसको ध्यान में रखकर यह TLM बनाया गया है। बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए स्कूल में समय समय पर कई कार्यक्रम किए जाते हैं। पाठ्यक्रम की किताबों से हटकर किया नवाचार समय की मांग है। कार्यक्रम को सफल बनाने सूरजमल मिडिल स्कूल की प्रधान पाठक रेखा भारद्वाज, प्राथमिक बालक स्कूल के प्रधान पाठक साधराम बरकाम, शिक्षक शशिकांत कौशिक और शिक्षक केशव वर्मा का सहयोग रहा। इससे और भी बच्चे बहुत इससे प्रोत्साहित होंगे और उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वे भी ऐसा कार्य करें। और जो नगर भ्रमण किया जा रहा है बहुत ही मतलब अच्छा आयोजन है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, नगर को प्रोत्साहित के लिए, ताकि इससे शासकीय और अशासकीय शाला में पढ़ने वाले बच्चे वो भी प्रोत्साहित होंगे कि इस तरह से कार्य किया जाए। और शून्य निवेश पर जो नवाचार का जो प्रयास किया गया है बहुत ही सराहनीय कार्य है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। TLM का अखंडता राष्ट्रीय अखंडता दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया है जो सभी स्कूलों में घुमाया जाएगा और बच्चों को ये बताना है कि इसके हम माध्यम से कैसे सिखाते हैं। TLM झांकी जो नगर और नगर के जितने भी स्कूल हैं उन सभी जगह ले जा करके उन सभी चीज़ों को दिखाना जो खराब जो वस्तु से या कबाड़ से जुगाड़ से बनाई गई है। स्कूलों में बच्चों को सीखने का वातावरण मिलने से उनमें पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि बढ़ती है। ये समझकर बहुत से शिक्षकों ने पढ़ाई का नया और मजेदार तरीका अपनाया है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। मेंटेनेंस के नाम पर इन दिनों शहर में विद्युत आपूर्ति बंद की जा रही है। बरसात के पूर्व विभाग को तार के संपर्क में आने वाले वृक्षों की टहनियां अलग करनी चाहिए थी, जबकि ऐसा होता नहीं है। कागजी कार्रवाई कर CSEB के अधिकारी खानापूर्ति करते हैं। अब मानसून की विदाई के समय पेड़ों की छटाई की जा रही है, इसके नाम पर कई कई घंटे बिजली गुल हो रही है जिसके चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्य डाकघर के सामने श्रीकांत वर्मा की प्रतिमा के पास लगा लाइट पिछले कई महीनों से बंद है। नगर निगम प्रशासन का बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है, जबकि महान विभूतियों के नाम पर बने चौक चौराहों की सतत निगरानी एवं देखरेख के निर्देश हैं। इसके बावजूद निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते जिसके चलते चौक चौराहे उजाड़ हो रहे हैं। खोडरी से भनवार टंग के बीच मालगाड़ी के पीछे लगा ब्रेक वैन बेपटरी हो गया, जिसकी वजह से बिलासपुर से कटनी रूट पर यातायात प्रभावित हुआ। जानकारी के अनुसार अप लाइन पर मालगाड़ी कटनी की ओर जा रही थी। खोडरी खोकसरा से आगे बढ़ने के दौरान भनवार टंग के पास मालगाड़ी के अंतिम छोर में लगा गार्ड वैगन के दो पहिए पटरी से उतर गए। बेपटरी हुए ब्रेक वैन करीब 50 से 100 मीटर तक घिसटते गए। गार्ड की सूचना पर चालक ने मालगाड़ी रोक कर इसकी जानकारी कंट्रोल को दी। मंगलवार रात 9 बजे बिलासपुर जोनल स्टेशन से ART घटनास्थल के लिए रवाना की गई। मौके पर ब्रेक वैन को पटरी पर लाकर ट्रेन शहडोल की ओर रवाना किया गया। इस घटना के चलते कटनी से बिलासपुर आने वाली लोकल मेमू को बेलगहना और सलका रोड स्टेशन के बीच नियंत्रित किया गया। उसलापुर स्टेशन में अव्यवस्था से यात्री रोजाना 2-4 हो रहे हैं। शेड विहीन प्लेटफॉर्म में खड़े यात्री सभी मौसम में परेशान होते हैं। आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण ट्रेनों का स्टॉपेज देने के बाद भी इसमें पानी भरने की व्यवस्था नहीं है।
इससे सफ़र कर रहे यात्रियों में गहरी नाराजगी है। रेल अधिकारियों का कहना है कि यात्री सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, वाटर राशनिंग और दूसरी सुविधाएं 2 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।